हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज से, चूंकि आपको यूपीएससी के लिए जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आपका जो है सो यूपीएससी के लिए जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको पढ़ना क्या क्या है उसको एक बार अगर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। इनिशियली जो है सो एक होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, या कहिए कि भौतिक भूगोल। ओके, और दूसरा जो है आपका ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो आपका जो है ज्योग्राफी को हम लोगों ने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इस पेपर से आपका जो चीज़ें आती है, इसमें दो पार्ट होता है। एक आपका है कि ये आपको पेपर वन हो गया, और दूसरा होता है पेपर टू, जो कि एक तरह से कहा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और इसको अगर हम कहें तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ओके, और मेंस में इससे जो आता है वह 250 नंबर का पेपर रहता है, और यहाँ पे भी आपको 250 नंबर का पेपर आता है। बढ़िया स्कोरिंग पेपर है। दिक्कत यह है कि इसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, मैप का यूज कैसे करना है, बच्चों को वह नहीं पता होने के कारण जो है सो स्कोर कम आता है। लेकिन अगर आप, चूंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो जितने इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं वो इसको, या साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्कोरिंग है। स्कोरिंग है कि जो थ्योरी है उसको अगर लिख देते हो आप, सही से एक्सप्लेन कर देते हो, तो नंबर उतना ही मिलना है। उसमें कोई लाव लपेट वाली बात ही नहीं है कि फिलोसफी है कि कुछ अलग से आपको झाड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कोरिंग तो है, लेकिन आपको चीज़ों को यूज कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इसमें नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझाएंगे कि आपको नंबर कैसे आना है। एक बार ये खत्म हो जाए तो मेन आंसर राइटिंग अपन सेशन लेंगे। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें क्या है कि देखिए, इसको भी हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, या कहिए कि हम लोग जो है सो आपका लैंड के बारे में पढ़ना सीखेंगे, दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद में है आपका, नेक्स्ट है आपका, हम लोग एयर के बारे में शुरू करेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जो हम आपको पढ़ा रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग वायु विज्ञान के बारे में या मौसम विज्ञान के बारे में समझेंगे। फिर आता है ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी हो गया। उसके बाद में देखिए आपको क्लाइमेटोलॉजी हो गया, उसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, और ये हो गया आपको ओशनोग्राफी हो गया, मतलब लैंड हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। तो आपको पता है कि लैंड, एयर और वाटर से मिल करके क्या बनता है, तो हमारा जो है सो एक तरह से इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका बायो जियोग्राफी। ओके, बायो जियोग्राफी, उसके बाद में नेक्स्ट एक टर्म आता है इसमें, इन्वायरमेंट जियोग्राफी का।
तो हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, आपका ज्योमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओसनोग्राफी हो गया, बायो जियोग्राफी हो गया और इन्वायरमेंट जियोग्राफी हो गया। ये सारा चीज़ जो है सो लैंड वाटर, चूँकि ये लैंड हो गया, ये आपको एयर हो गया, ये वाटर हो गया, इन तीनों के संयोग से यहाँ जीव बनता है और जीव का एक जगत है जो कि एक इन्वायरमेंट है जहाँ हम लोग रहते हैं, वह हो गया आपका इन्वायरमेंट जियोग्राफी। ओके, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टर्म जो आता है यहाँ पे, चूँकि अब हम लोग जो है सो इसी संदर्भ में या इसी जीवन में हम लोग जीते हैं कि हम लोग लैंड पे रहते हैं, हवा लेते हैं, पानी पीते हैं और साग सब्जी खाते हैं और अपना एक इन्वायरमेंट बढ़ा के रहते हैं। ये जो है सो इसी का एक तरह से यूज है यहाँ पे, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, चूँकि हम लोग जो है सो पेपर वन देख रहे हैं, ये जो है सो आपका यह क्या है, यह पेपर वन है जो कि आपका 250 नंबर का रहता है, तो 250 मार्क्स का यह आता है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओसनोग्राफी हो गया, ओसनोग्राफी के बाद में हम लोगों ने क्या देख लिया, बायो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद में आपका ह्यूमन जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है अगर हम कहें तो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है कि ह्यूमन जियोग्राफी का प्रस्पेक्टिव, प्रस्पेक्टिव कहने का मतलब यह है कि एक तरह से हिस्ट्री है कि लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा, कैसे काम किया, कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है कि प्रस्पेक्टिव ऑफ द ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग थॉट्स हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, या एक तरह से कहिए कि जियोग्राफी का जो ह्यूमन जियोग्राफी का फिलॉसफी जो है वो इस पार्ट में है कि हमें चीज़ों को लेना कैसे है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसमें आपका, वह आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। जैसे इकोनॉमिक्स जो आता है, तो चूंकि इकोनॉमिक्स जो है सो कहीं कभी इकोनॉमिक्स आप देखिएगा तो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, रिसोर्स पे डिपेंड करता है, तो इसलिए जो है सो हमें यहाँ पे पढ़ना है। एक तो प्रस्पेक्टिव मतलब कि इसका ह्यूमन ज्योग्राफी आया कैसे, ज्योग्राफी में इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है सो आपका एक तरह से ज्योग्राफिकल कंसेप्ट ही है, लेकिन डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों पर यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद में तीसरा जो आपका टॉपिक आता है इसमें, वह आता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। तीसरा जो आता है यह आता है आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट का आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रीजनल प्लानिंग। और नेक्स्ट आता है आपका मॉडल्स। अब देखिए प्रस्पेक्टिव तो हमने बता दिया कि ज्योग्राफिकल थॉट हो गया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक का आपके ह्यूमन लाइफ में कैसे यूज है, ज्योग्राफी से कैसे वो कोरिलेट करता है। उसके बाद में जब प्रस्पेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, आप कहीं रहेंगे ना भाई तो किस पैटर्न में लोग रहना शुरू करते हैं। जैसे आजकल अर्बन एरिया में मल्टीपल बिल्डिंग बन रही, तो क्यों बन रही है, उसका रीजन क्या है, अर्बन एरिया कैसे सेटलमेंट होता है, उसका अलग अलग कैसे व्यू है, उसका अलग अलग थ्योरी लोगों ने दिया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है सो रीजनल प्लानिंग की हर एक रीजन का एक अपना स्पेसिफिकेशन, एक ज्योग्राफी होता है, उसके हिसाब से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा, नहीं तो बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा। और उसके बाद फाइनली जो है सो इन सब के लिए अलग अलग मॉडल्स बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं कि पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर फील्ड में इस लॉ को लगाइएगा तो आपको ऐसा आउटपुट आएगा, इस लॉ को लगाइएगा तो ऐसा आउटपुट आएगा। तो आपका एक तरह से कहा जाए तो ये जो है सो ज्योग्राफी में हमको एक तरह से होल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये पार्ट ए हो गया, मतलब कि आपको पेपर वन में पार्ट ए हो गया और यह पार्ट क्या हो गया, बी हो गया है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट, लेकिन कोई सही पढ़ाने वाला मिले तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप गुमराह होकर रह जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है सो ये जो है सो एक्चुअल में क्या है कि लेंदी है, मैं ये मानता हूँ कि यह सब्जेक्ट यह जो है सो लेंदी है बाकी सब्जेक्ट से, लेकिन इसमें अगर एक बार अपने पकड़ बना लिया और समझ गए कि हमें आंसर कैसे लिखना है तो बस एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमने आपको बताया, तो हम लोग जो है सो इसको
क्योंकि अपना 8-10 दिन का प्लानिंग लेके चलते हैं कि 8-10 दिन में खत्म कर लेंगे, बट टाइम तो लगता ही है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो हम लोग अभी क्लाइमेटोलॉजी लेके चल रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग जो है सो, क्योंकि इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो देखिए आप, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, और इसमें कितने हैं, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब हमें कम से कम पर डे आपका 10 से 15 लेक्चर लेंगे या 20 लेक्चर लेंगे, तब जा करके ये 5 दिन में या 7 दिन में ख़त्म हो पाएगा। तो हम लोग का व्यू भी यही रहेगा कि हम लोग इसी तरीके से चलें कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं आपका जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, आप जुड़े रहिए, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के रखिए, कब हमारा रेगुलर लेक्चर आता है। क्वालिटी हम अभी पढ़ा रहे हैं, अब उसमें भी जो है सो अब डिटेल वे में लक्ष्मीकांत को भी शुरू करने वाले हैं अगले वीक से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं फॉर्मली। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस के साथ में शुरू करेंगे, ये नहीं है कि आपको इधर उधर से, एग्जैक्ट सिलेबस के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी को। तो पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में तीन चीज़ को आपको पढ़ना है, अगर हम समझाने की एक लाइन में अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में आपको तीन चीज़ पढ़ना है। वह तीन चीज़ क्या है वो समझ लीजिए, यह आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ में एक होगा आपका इंटीरियर, अर्थ का अंदर का पार्ट को पढ़ना है। उसके बाद में अर्थ में अप एंड डाउन है, तो उसके बाहरी पार्ट को पढ़ना है, लैंड फॉर्म को पढ़ना है। एक्सटीरियर लैंडफॉर्म को, एक तो आपका इंटीरियर हो गया और दूसरा हो गया एक्सटीरियर हो गया, ये दो चीज़ें बन गई। अब इसमें बनने और बिगड़ने वाला, तो यहाँ पे इरोजन या डिपोजिशन, पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में इसी तीन चीज़ को आप पढ़ेंगे कि कोई चीज़ बन रहा है, कोई चीज़ बिगड़ रहा है, तो क्यों बिगड़ रहा है, क्यों बन रहा है, अर्थ के अंदर का पार्ट क्या है, अर्थ के बाहर का पार्ट क्या है, पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में आपको बस यही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस कहता है कि फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। फैक्टर कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है, सबसे पहला यह है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट होने में, मतलब ऊपर वाले अर्थ के ऊपर में जितना पहाड़ पठार है बनने में क्या क्या फैक्टर हैं, तो इसमें आपका आता है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ओके, देयर इज द टू फैक्टर या टू फोर्सेस, दैट इज द इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। यही फैक्टर जो है सो आपको क्या करता है कि लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है आपका अर्थ क्रस्ट, कि यहाँ अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ना है कि अर्थ का जो बाहरी भू प्रॉपर्टी है, दैट इज द अर्थ, एंड यह लेयर जो है सो आपका ये जो इंटरनल लेयर है,
इसका निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में पढ़ना है। तो फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म या तो एक्सोजेनिक हो गया, नहीं तो इंडोजेनिक हो गया, बाय फोर्सेस या एक तरह से अंतरिम फोर्सेस हो गया, उसके बाद में ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हो गया, उसके बाद में चूंकि यह पोल जो है यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, यह नॉर्थ पोल जो है सो इधर मूव कर रहा है, यह इधर मूव कर रहा है, तो मान लीजिए कि इधर कहीं ये वाल्कोनिक एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें आयरन और मैग्नीशियम और बाकी दूसरे दूसरे एलिमेंट निकल रहे हैं, तो जैसे जैसे ये पोल चेंज होगा वैसे वैसे, अभी मान लीजिए कि हमारा अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो गया, जितने रॉ का है उसके अलाइनमेंट मटेरियल का या मेटल का ऐसे हो गया, अब नॉर्थ पोल मान लीजिए यहाँ पे चला गया और साउथ पोल यहाँ पे चला गया, तो अब मटेरियल का अलाइनमेंट कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो यह जो है सो जितना आयरन मटेरियल है या कहिए कि एक तरह से मैग्नेटिक मटेरियल का अलाइनमेंट जो है वह समय के साथ चेंज होता है, तो एक तरह से कहा जाए तो इसी में हम लोग कह सकते हैं कि जियो मैग्नेटिज्म, इसी को कहा जाता है जियो मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह अर्थ के हिस्ट्री को बताता है, अर्थ के हिस्ट्री को बताता है, या एक तरह से कहा जाए तो चेंज मैग्नेटिक पोल को प्रूव करता है कि भाई देखो समय के साथ में आज मैग्नेटिक पोल किधर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, रशिया की साइड जा रहा है, कनाडा से रशिया की तरफ मूव कर रहा है, और ये वाला इधर मूव करेगा, तो इसके कारण जो है सो भविष्य में भी, मतलब कि आपको पास्ट में भी ऐसा हुआ है और आज भी ये हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड ये सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है कि अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ना, अर्थ क्रस्ट हो गया क्योंकि हम लोग ये सबसे ऊपर हो गए, अर्थ के ऊपर जो इतना लैंडफॉर्म जो बना है इंडोजेनिक एक्सोजेनिक यहाँ हो गया, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला अर्थ क्रस्ट पढ़े, अब अर्थ के अंदर। तो तीसरा पॉइंट होगा इसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो अर्थ के अंदर, मतलब यहाँ पे जो है सो आपका अंदर अंदर क्या क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ऊपर से सबसे लैंड से शुरू किए, क्योंकि हम लोग चूंकि ऑब्जर्वेशन, देखिए सिलेबस पागल कोई नहीं लिखा होगा, होशियारी कोई व्यक्ति लिखा होगा, तो सोच समझ के सिलेबस लिखी जाती है। तो सिलेबस कहाँ से शुरू होती है, सिलेबस आपके अर्थ क्रस्ट से शुरू होती है, सबसे ऊपर जो चीज़ देखोगे, क्योंकि जो भी आप लॉ बनाते हो वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही बनता है, मतलब हमने देखा और ये सही है और ये सभी जगह सही है, दैट इज द लॉ, ओके। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने देखा सबसे पहले हमारी मानव जाति जब आई होगी धरती पे, देखी होगी सबसे पहले ऊपर के बारे में पढ़ी लिखी होगी, तो इसलिए कहा गया कि आपको फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इंडोजेनिक एक्सोजेनिक, हम लोग पहाड़ पठार लैंड जो देखते रहे, नदी जितना भी लैंड देख रहे हैं सबसे पहले यही देखा होगा, तो सिलेबस में सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जैसे अर्थ क्रस्ट, अब उसके बाद जैसे ही नीचे नजर डालोगे तो आपको ये वाली पट्टी दिख जाएगी, तो इसके बारे में पढ़ना है। उसमें जियो मैग्नेटिज्म और बाकी सारी चीज़ें हो गई, फिर इंटीरियर, अब इसके नीचे और घुसेंगे हम और इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बाद में क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही अगर हम कहें तो यहाँ पे आपका जियो सिंक लाइन हो गया, जियो सिंक लाइन का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में क्या है कि ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे पानी आके भरेगा ना भाई, पानी भरेगा तो अकेले पानी ही नहीं भरेगा, इधर से मटेरियल भी आके भरेगा, तो यहाँ पे ये चीजें भरने लगा। जब भरेगा तो क्या होगा कि यहाँ इसको नीचे खींचेगा, दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा नीचे, क्योंकि मटेरियल भारी है, जब खींचेगा तो यह वाला पार्ट इधर से, यह वाला पार्ट इधर से, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये वाला ऐसे आएगा और यहाँ पे एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो एक तरह से कहा, इसी को जियो सिंक लाइन कहा जाता है कि जो पहाड़ बने हैं वो कैसे बने हैं, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ही एक रिजल्ट होगा जो पहाड़ बन रहा होगा। उसके बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कि एक कॉन्टिनेंट मान लीजिए यह है और यह कॉन्टिनेंट यह है, तो यह कॉन्टिनेंट इधर मूव कर रहा है, यह कॉन्टिनेंट इधर, या यह कॉन्टिनेंट इधर, यह कॉन्टिनेंट इधर मूव कर रहा, तो ये कैसे हो रहा है, ये इंटरनल, चूंकि यहाँ पे जिस चीज पे वो खड़ा है, हम लोग जिस चीज पे खड़े हैं वही अंदर से मूव कर रहा है, तो बाहर भी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, एक तो जियो सिंक लाइन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद में है आपका कि जैसे कहीं पे आपका मान लीजिए कि ये पहाड़ है और नीचे ये वाटर बॉडी हो गया, तो इसका अरेंजमेंट कैसे है, तो इसके अरेंजमेंट के लिए जो हम लोग शब्द यूज करते हैं वो है आपको आइसोस्टेसी है,
ये सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही आएगा, आइसोस्टेसी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आएगा। इसी में आएगा नेक्स्ट आपका जो है सो आएगा प्लेट टेक्टोनिक, ये सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही आ रहा है आपको, आइसोस्टेसी हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, प्लेट टेक्टोनिक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है रिसेंट व्यू ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, तो देखिए यहाँ पे क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारा चीज जो हो रहा है वो इंटरनल अर्थ के इंटीरियर से ही हो रहा है। हम लोगों ने शुरू किया सबसे ऊपर वाले पार्ट से, उसके बाद में अर्थ क्रस्ट पे गया, अब नीचे जितनी फेनोमेना होगी उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये धरती के अंदर जितनी फेनोमेना हो रही है और ऊपर जो दिख रहा है वो सब पढ़ना पड़ेगा। इसी में आएगा आपको वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी भी तो अंदर से ही हो रही ना, आसमान से तो टपक नहीं रहा, तो इसी में जो है आएगा वह आएगा वोल्केनिक एक्टिविटी आएगा। उसके बाद में इसी में वोल्केनिक एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, आपको कहां तक दिख रहा है एक बार देखना पड़ेगा मुझे, हाँ इसी में आएगा आपको अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक आएगा तो फिर सुनामी आएगी। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब अर्थ के इंटीरियर से ही हो रहा है, मतलब कि अर्थ के अंदर जो चीजें हो रही है उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ये आपका हो गया, अगर हम कहें तो हमारा जो पहला पॉइंट फैक्टर कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है दैट कंट्रोल द लैंड और फॉर्मिंग द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, नेक्स्ट वन इज दैट अर्थ क्रस्ट जियोमैग्नेटिज्म, मतलब कि यहाँ पे जैसे अर्थ क्रस्ट में जियोमैग्नेटिज्म को फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हिस्ट्री और ये सारा चीज हो गया। इंटीरियर ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, रिसेंट व्यू ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया तो अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आएगी, जियोसिंक्लाइन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और आइसोस्टेसी हो गया। अब हम लोगों ने ये सारा चीज तो पढ़ लिया, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप अर्थ की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े होंगे तो अपने आजू बाजू देखेंगे ना जी, तो अपने आजू बाजू देखा, उसके बाद में अपने पैर के नीचे देखा और थोड़ा और नीचे आ गए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो इसको पढ़ लिया है, मतलब क्रस्ट और मेंटल को हमने पढ़ लिया, जिसमें हमें ये सारा चीज पढ़ना था, ये सारा टॉपिक जो है सो हमें कवर करना था वो हो गया। अब हमें क्या है कि अब आप जो है सो ये थोड़ा सा ऊपर ध्यान लगाएंगे, जो पहाड़ पठार बने हैं वो उसका रीजन क्या है, जो पहला वाला टॉपिक है ना, अब इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी से अब हम लोग क्या होगा आगे बढ़ेंगे अपने पहले वाले टॉपिक से, और पहले वाले टॉपिक में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा कि आपका जो है सो एक साइड से ये जो है सो मान लीजिए ये पहाड़ बना है और ये कोई समुद्र है, अब फिर ये पहाड़ बना है फिर ये समुद्र है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि यह पहाड़ कट के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे समुद्र बन, यहाँ पे फिर से पहाड़ बनेगा और ये समुद्र खत्म होगा, ये पहाड़ कट के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फिर से एक पहाड़ बन जाएगा और ये समुद्र खत्म हो जाएगा, एक जनरलाइजेशन हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, अब हम लोग अर्थ के ऊपर जो है सो आपको जियोमॉर्फिक साइकिल और लैंडस्केप डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इसी में अगर हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक जो आपका फैक्टर कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट है, इसी को एक्सटेंड किया है अब, क्योंकि इंटीरियर वाला तो हम लोगों ने सब देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इन्हीं से जो आता है आपका एक तरह से कहा जाए तो लैंड फॉर्म का साइकिल क्या है, मतलब लैंड फॉर्म का निर्माण जो हो रहा है वह कैसे हो रहा है, लैंड फॉर्म का जो निर्माण हो रहा है वह आखिर में कैसे हो रहा है, अब उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ टू फॉर्मिंग द लैंड और उसका साइकिल कैसे है, ठीक है। उसके बाद में है आपका क्रोनोलॉजी क्या है, जो टूटने का है जो है सो जो पहाड़ कट के जब नीचे दब रहा है तो क्रोनोलॉजी क्या है, डेनुडेशन उसका, क्रोनोलॉजी या डेनुडेशन हो गया उसका कि वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो जब टूटेगा जब पानी के साथ बह के आएगा तो चैनल मॉर्फोलॉजी बनेगा, चैनल बनेगा पानी का चैनल बन सकता है या फिर आपको बर्फ का भी चैनल बन सकता है, तो चैनल का आकार कैसे कैसे होगा, वाटर कहाँ कहाँ पे क्या क्या आकृति बनाएगी, ये सब को हमें पढ़ना है चैनल मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद में इरोजन होगा, जब कटेगा पानी बहेगा तो इरोजन होगा, ठीक है।
इरोजन के बाद में फिर आपका क्या होगा, जब कहीं इरोड होगा तो कहीं डिपोजिट भी होगा, तो डिपोजिशन होगा। ओके, तो ये हम लोग जो देख रहे हैं एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो हम लोगों ने इधर जो देखा है ना, ये वाला जो है आपका ये पूरा इंडोजेनिक से हो गया, और ये वाला पार्ट जो है अब बाहर के फोर्सेस, जैसे एक्चुअल में बाहर का फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सब जो है सो सन के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद इरोजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप डेवलपमेंट होगा, स्लोप बनेगा, उसके बाद में जो है आपको वाटर और प्लस लैंड दोनों के मिल करके अलग अलग मॉर्फोलॉजी बनेगी, अलग अलग आकार बनेगा, और नेक्स्ट जो है सो अप्लाइड जो मॉर्फोलॉजी हो गया। ये हम लोग जो इतना पढ़ रहे हैं हमारे लाइफ में इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, तो ये जो है सो आपका ओवरऑल जो है सो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग को इतना सारा चीज पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अर्थ के ऊपर के जितने लैंड फॉर्म है उसको पढ़ रहे हैं, और अर्थ के अंदर के चीज़ों को स्टडी करके, और अपने काम की चीज़, क्योंकि जो भी स्टडी होती है कि वो मूर्ख थोड़े है कि हम लोग जो चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कुछ अपने काम की चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स फॉर द ह्यूमन लाइफ और सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन लाइफ, बेटर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है सो हमारा पूरा सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी का। आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपको इसमें मास्टर बना देंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, ये मेरी गारंटी है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, जैसा बता रहे वैसे करते चलेंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में यही अब समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन जो होगा इसका वहाँ से हम लोग फॉर्मरी लेक्चर को शुरू करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। जय हिंद, जय भारत।